मेथी को रोस्ट करने के लिए मैंने पैन को थोड़ा सा वार्म कर लिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून पूरा भर के कसूरी मेथी डाल दी और फिर फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया। अब मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट ऐसे ही रोस्ट करूँगी ताकि इसमें से फ्लेवर रिलीज़ हो और थोड़ी क्रिस्प हो जाए, क्योंकि मुझे इसको पाउडर फॉर्म में मिलाना है। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अफगानी टिक्का बोटी। आप इसको लेग पीस के फॉर्म में भी बना सकते हैं या चिकन लेग में भी बना सकते हैं। मैं इसको टिक्का बोटी के फॉर्म में बना रही हूँ। मैंने इसके लिए 500 ग्राम ऑफ चिकन थाइज ले ली, इसको बोनलेस करा लिया और एक थाई में से मैंने इतने 2 पीस कर लिए बड़े बड़े। आप चाहे तो छोटी छोटी पीसेस भी कर सकते हैं। इसके मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए हंकट हुआ हुआ दही 2 टेबलस्पून। अगर आप नॉर्मल दही को हंकट करेंगे तो आपको तकरीबन 1.5 कप जितना दही चाहिए होगा। इसको आप थोड़ी देर कपड़े में, मलमल के कपड़े में लटका दें तकरीबन 2 घंटे तक, तो इसका पानी निकल जाएगा। उसके बाद ये हंकट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट ईच मेरे पास है 1 टीस्पून। ये मैंने लिया हुआ है कैशूनट 1 टेबलस्पून जितना है मेरे पास ये। इसको मैंने 5 से 6 कैशूनट को मैंने भिगो दिया थोड़ी देर और इसको मैंने पीस लिया, तो ये मेरे पास कैशूनट की प्यूरी हो गई 1 टेबलस्पून जितनी। 1.5 टेबलस्पून क्रीम, 1/2 लेमन जूस है ये 1/2 लेमन का, और ये रोस्टेड कसूरी मेथी का पाउडर मैंने कर लिया। इसको मैंने जब रोस्ट किया और इसके बाद हाथ से ही मैंने कुचल दिया तो ये पाउडर फॉर्म में हो गई। 1 टीस्पून पूरा भर के है ये। गरम मसाला पाउडर, ये घर का बना हुआ है गरम मसाला, इसका वीडियो मेरे चैनल पे है। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जितना कुकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसको हमने स्क्रू करने के लिए ये स्टिक मैंने ली हुई है और इसको थोड़ा स्मोक फ्लेवर देने के लिए 1 चारकोल छोटा सा। इन सब को हमने मैरिनेट कर देना है इसके अंदर और फिर हम चारकोल से इसको स्मोक दे देंगे। सारी चीज़ें मैंने इसमें मिला दी, अब मैं इसको मैरिनेशन कर रही हूँ। कुकिंग सोडा मिलाने से चिकन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो आप किसी भी चिकन में या गोश्त में थोड़ा सा कुकिंग सोडा मिला देंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है गोश्त वगैरह का और बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। स्मोक फ्लेवर देने के लिए मैंने फॉइल रख दिया, इसके ऊपर चारकोल लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर ये ऑयल डाल दूँगी और इसको कवर कर लूँगी जब तक कि ये पूरा रिलीज़ हो जाएगा, इसका धुआं बैठ जाएगा। मैंने इनको सिक्कों में पिरो दिया। आप इस तरह से रख कर इसको फ्रीज भी कर सकते हैं फर्दर यूज़ के लिए। मैंने पैन को वार्म कर लिया, इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल डाल दिया। आप चाहे तो इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, और मैंने ये वाली ग्रिलिंग पैन ली हुई है, आप चाहे नॉर्मल पैन में भी कर सकते हैं। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी हल्के ऑयल में। ये रेडी है हमारी अफगानी बोटी। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।